हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनीज वे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है शाही टुकड़ा, जो आप आराम से घर में बना सकते हैं बड़े इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए रेवड़ी। रेवड़ी के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध। ये मैंने केसर को दूध में भिगो के रखा है। और एक छोटा स्पून, टीस्पून हमें चाहिए इलायची पाउडर और एक बाउल कंडेंस मिल्क। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये आप देखेंगे इसमें बॉईल आ गया है, तो आप इसकी मलाई जो है वो साइड साइड्स पे ऐसे पैन के साथ चिपकाते जाएं, बिल्कुल ऐसे। और नेक्स्ट बॉईल का वेट करें, सिम पे इसे बॉईल करें। जैसा आप देख रहे हैं इसमें सेकंड बॉईल आ गया है। अब आप इसकी मलाई भी साइड्स पे लगा दीजिए। और अब इस पॉइंट में हम इसमें अपना कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। देखिए डाल लेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर। अब इस पॉइंट में हम डाल देंगे केसर मिल्क, मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो मलाई है वो साइड्स पे लगी हुई है अभी भी। जब तक ये थोड़ा घना नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 स्लाइसेस ब्रेड। आप वाइट ब्राउन कोई भी ले सकते हैं। इसके हम साइड्स एजिस काट लेंगे। हम इसके एजिस रिमूव कर लेंगे। हम इसे बीच में से ऐसे काट लेंगे। सेम वे से आप सारे ब्रेड स्लाइसेस के को कट कर लीजिए। और कट करके सेंटर से ऐसे कट कर लीजिए इस शेप में। गाइज, जब तक ये हमारी रेवड़ी अभी तैयार हो रही है तब तक हम अपना शुगर सिरप बना लेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1/2 कप शुगर और 1/2 कप पानी। आपने इसको हिलाते रहना है दोस्तों, जब तक ये शुगर इसमें डिजॉल्व नहीं हो जाती। और अब हम अपने शुगर सिरप में थोड़ा सा केसर ऐड कर देंगे, इससे उसका फ्लेवर थोड़ा और बढ़ जाएगा। हमें इसे थोड़ी देर के लिए ही बॉईल करना है, लगभग 3-4 मिनट के लिए। हमने अपनी ब्रेड फ्राई करने के लिए यहाँ पे एक पैन लिया, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी ले लिया। गाइज, इसको घी में ही फ्राई कीजिएगा। अब हमारा शुगर सिरप बनके तैयार है। अब हम ब्रेड्स को कर लेंगे फ्राई। अब हम इसमें अपने ब्रेड पीस डाल देंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करना है दोनों साइड से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए ये कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन। अब हम इन्हें निकाल कर शुगर सिरप में डिप करेंगे। एक्स्ट्रा घी आप निकाल लीजिए। अब हमने शुगर सिरप से निकाल के इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी रेवड़ी बनके तैयार है। अगर आपके यहाँ पे दूध पतला मिलता है तो आप इसमें दूध पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए। देखिए कितनी अच्छी रेवड़ी बनके तैयार है। ये हम सेम बाकी बचे हुए पीसेस को भी ऐसे ही कर लेंगे।
पहले फ्राई करेंगे, फिर शुगर सिरप से निकाल कर सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हैं। अब हम इस पर डाल देंगे अपनी गर्मा गर्म रेवड़ी। सो गाइस, हमारा शाही टुकड़ा बनके तैयार है। इसे मैंने गार्निश किया है कुछ बादाम के साथ। ये इजी सी रेसिपी पसंद आई तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। छोटा सा मंदिर जिसमें मैंने ये भगवान के आगे रखा है। पहले भगवान को भोग, फिर खुद को।